छत्तीसगढ़ एवं देश गौरव पर्वतारोहियों का किया गया सम्मान। प्रेस क्लब डोंगरगढ़ की ओर से छत्तीसगढ़ की गौरव बढ़ाने वाली पर्वतारोहियों श्री चंद्रशेखर सिंह जादौन, कुमारी नीसू सिंह, कुमारी गुंजा सिन्हा, कुमारी दीपसिका सिन्हा, कुमारी विभा धनकर को सम्मानित किया गया। बता दें कि इन पर्वतारोहियों ने विगत दिनों हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिला के स्पीति घाटी में परंगला की चोटी के अंतर्गत 18,648 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर भारतीय तिरंगा लहराया, देश में राज्य का नाम ऊंचा किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डोंगरगढ़ अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री के पटेल जी, श्री नारायण अग्रवाल अध्यक्ष मां बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति एवं विशिष्ट अतिथि विजेंद्र ठाकुर, सदस्य हनुमान भक्त युवा समिति व अन्य अतिथि उपस्थित थे। क्लब के सदस्यों द्वारा अतिथियों का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि श्री के पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान समय में विभिन्न चुनौतियों के बीच में चारों बालिकाओं व एक युवा ने परंगला चोटी फतह कर हासिल किया, जो कि युवाओं के लिए प्रेरणा देगी। उन्होंने आगे कहा कि किसी को आगे बढ़ने के लक्ष्य को साधना जरूरी है। उन्होंने साहसी बालिकाओं का सम्मान किया तथा ब्रेस क्लब को धन्यवाद दिया एवं पर्वतारोहियों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। वहीं श्री नारायण अग्रवाल ने पर्वतारोहियों का उत्साह वर्धन करते हुए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम में पर्वतारोहियों के परिवार मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रेस क्लब के सदस्यों के साथ साथ अन्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रेस क्लब डोंगरगढ़ के अध्यक्ष सोन कुमार सिन्हा ने किया। एक डोंगरगढ़ द्वारा प्रेस क्लब के मार्फत एक आयोजन किया गया था, बहुत ही अच्छा आयोजन था, जिसमें छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से पर्वतारोही के जो स्टूडेंट हैं उनको सम्मानित किया गया और साथ में उनको एक प्रमाण पत्र दिया गया है और भविष्य में इनके जो मार्गदर्शन और गाइड के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भविष्य में हम इनके सहयोग करेंगे और इनको गाइड करेंगे। आज प्रेस क्लब डोंगरगढ़ द्वारा हिमाचल में पर्वतारोहण करके जो हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे लौटे हैं उनके सम्मान में कार्यक्रम रखा गया था, जो बहुत ही तारीफ़ काबिल है और इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, हमारे डोंगरगढ़ के बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ से संबंधित बच्चे हिमाचल प्रदेश जाकर के 19,000 की फुट पर पर्वतारोहण करके और भारत का ध्वज लहराया है इन्होंने, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इनके भविष्य की उज्ज्वल कामना करता हूँ मैं और ये कार्यक्रम इनका निरंतर चलता रहे। ये बहुत छोटी सी ऊंचाई है 19,000 फुट की, और भी ऊंचाई में इनको जाना चाहिए और भविष्य में किस देखो, सबसे पहले तो मैं डोंगरगढ़ प्रेस क्लब का स्वागत करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे इतना सम्मान किया एवं माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री के पटेल SDOP डोंगरगढ़ और बम्लेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान नारायण भाई पटेल जी का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हमें प्रशस्ति पत्र और ये मेडल देके इतना सम्मान किया। अब रहा बात एक्सपीरियंस का, तो हमारा यहाँ से एक लक्ष्य लेके हम चले थे हिमाचल की लाहौल ज़िले की स्पीति वैली का परांगला पास, जो कि 5,600 मीटर ऊंचाई पे है, काफ़ी बर्फ़ वाला एरिया है, वहाँ से लद्दाख के लिए ट्रैकिंग जाता है। तो हम लोग वहाँ तक गए, सारे ये हमारे साथ है, मैं चिचोला से चंद्रशेखर सिंह जादौन, बापू टोला से विभा धनकर, चिद्दो डोंगरगढ़ से गुंजा सिन्हा, चिखली राजनांदगांव से पहला, सबसे पहला मेरा 21,000 फीट था लद्दाख स्टॉक कांगड़ी, उसके बाद मैंने बहुत सारा ट्रैकिंग किया और ये तीनों मेरे साथ अभी कर रहे हैं। और अभी तो जो हम लोगों ने रिसेंटली किया, मैंने लगातार तीसरा था, मैंने लगातार किया और उसमें इन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया परांगला पास, जो कि स्पीति लाहौर का एक बहुत अच्छा ट्रैक है। वहाँ पर जो इंडियन आर्मी थे वो भी थे मौजूद, क्योंकि वो लोग लद्दाख जा रहे थे वहाँ से ट्रैकिंग करते हुए, और हमारे साथ उन्होंने परांगला पास तक हमारा साथ दिया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक हम लोगों में वैसा जुनून आ गया था कि इंडियन आर्मी के साथ हम लोग ट्रैक कर रहे हैं
और जैसे हम लोग जिस दिन हम लोग पहुँचे थे बेस कैंप, उस समय वहाँ पर इतनी ज़्यादा धूप थी कि हमें लगा शायद मौसम बहुत अच्छा है, आज ही समिट हो जाएगा। पर जब रात को सोए और सुबह उठ के देखा तो पूरा स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पूरा वाइट हो गया था। तो हम लोगों को मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि हमारे गाइड ने हम लोगों को मना कर दिया, क्योंकि रूट पूरा बंद हो गया था। पर फिर उसके बाद अगले दिन हम लोगों ने सोचा देखते हैं जहाँ तक चल पाते हैं करके, फिर कंटिन्यू हम लोगों ने किया और